I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? शादी? ये सपना तो मैं कब से देख रहा हूँ। ये सपना सच हो सकता है? अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, बोल बोल कब का मुहूर्त निकलवाऊं? आपको पहले एक वचन देना होगा। अरे वचन? एक क्या, मेरी जान? मुझसे जान मांग ले तो वो भी दे दूं। बड़े भैया को उनका मकान लौटा दो और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बस ये बात है। अरे गीता, अगीता यहाँ बैठ। अरे तेरा ही घर है, बैठ 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 बैठ। हाय मैं मर जाऊं तो कितनी सुंदर है गीता। तुझे अपनी बीवी बनाने के सपने में कब से देख रहा हूँ। बस अब तो कल ही हम शादी कर लेंगे। तुम से शादी करेगी ना? लेकिन पहले मकान के कागजात लौटा दीजिए। कागजात क्या? ये मकान, वो मकान, सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ और कल तो हमारी शादी होगी। क्यों ना गीता, क्यों ना, क्यों ना आज 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 क्या कर रहे हैं? तुमको दुनिया में और कोई घर नहीं मिला था, हमारे घर के ऊपर डोका डालता तो कौन? छोड़ दो भैया। अभी तुम अपना शैतान को याद करो, क्योंकि तुम जिस शैतान के पास अब जाते हो फिर तुम वापिस इतनी दुनिया में नहीं आएगा। भैया, देखो जानवर का बच्चा, तुम जिस लड़की का इज्जत लूटो था वो तुम्हारा जान बचाता है। पकड़ो इसका पैर, सीधा करो इसका। ये हमारी खानदान की इज्जत का सवाल है बहू, घर को नीलाम होने से बचा लो। उस टूटे फूटे घर की चार दीवारी में और चाहे कुछ ना हो, हमारे पुरखों का मान है, उनकी मर्यादा है। ये तुम आज कह रही हो, आज जबकि तुम सड़क पर आ गई हो, लेकिन कल जब तुम घर में थी उस वक्त क्यों नहीं सोचा था? और सोचती भी कैसे, कल तो तुम घर की मालकिन थी ना। मैं तो कल भी उस घर की नौकरानी थी और आज भी उस घर की नौकरानी हूँ बहू। तो ठीक है, एक घर की नौकरानी किसी दूसरे घर की नौकरानी भी बन सकती है। इतनी कठोर ना बनो नीला, तुम्हारा भी घर है, भगवान ना करे तुम्हारे घर की ऐसी हालत होती तो। भाभी सोच समझ कर बात करो, मेरी ही छत के नीचे मेरे ही घर का बुरा सोच रही हो। मुझे माफ कर दो नीला, मुझे माफ कर दो, ना जाने मैं क्या क्या कह गई, मैं अपने होश में नहीं हूँ। मेरा सवाल पूरा कर दो, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे पाओ। भाभी क्या कर रही हो? भाभी तुम्हारे ये पाक हाथ इन नापाक पैरों को छूने के लिए नहीं। सत्यन क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ, जिस औरत के दिल में ममता नहीं वो बंजर जमीन की तरह बेकार है, नाकार। सत्यन बिजू भैया आफरीन है तुम्हारी शराफत पर, कल माँ को तुम्हें बेटा कहते हुए शर्म आती थी, आज मुझे तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आती है। चुप रहो मेरे भैया, चुप रहो। आज तक चुप ही तो रहा हूँ भाभी, लेकिन अब मुझसे चुप नहीं रह जाता। तो पैसे के आ गए इन लोगों के पास, ये उस भाई को भूल गए जिसने बाप बनकर बेटे की तरह पाला ही नहीं।
इस काबिल किया कि आज ये दुनिया में नजर उठा के जी सके। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो, बड़े भैया भूखे प्यासे रहे, उनके मासूम बच्चे बिलकते सिसकते रहे, भाभी सारी जिंदगी अपने आंसू बहाती रही सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी ऊंची तालीम के लिए उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। भैया ने मकान गिरवी रखा, कर्जा लिया, लेकिन उस रकम में से अपने घर के लिए मुट्ठी भर अनाज तक ना खरीदा ताकि तुम भूखे ना रहो। सारी जिंदगी सैकड़ों पायबंद लगी एक धोती में गुजार दी ताकि तुम कीमती सूट पहन सको। बस करो, बस करो मेरे भैया। अभी तो बहुत कुछ कहना है भाभी, बहुत कुछ। आज जबकि बड़े भैया की हड्डियों में वो बल ना रहा, उनकी आंखों में वो रोशनी ना रही, तो तुमने उन्हें छोड़ दिया ताकि वो एड़ियां रगड़ते रगड़ते सड़क पर दम तोड़ दे। अरे लानत है तुम पर। बंद कर ये बकवास। ये बकवास नहीं है, ये सच है, कड़वा सच। सत्यन भैया, तुम अपने सौतेले भाई के लिए अपने भाई से लड़ रहे हो। अरे कौन सौतेला और कौन सगा ये मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम जैसी औरतें बार बार मिल सकती हैं। सत्यन, चुप करो सत्यन। लेकिन राम जैसा भाई और सीता जैसी भाभी सिर्फ एक ही जन्म में मिलते हैं। बस करो सत्यन, तुम्हें मेरी सौगंध, चुप करो। अच्छा भाभी चलो, जिस घर के मर्द औरत के गुलाम हो उस घर में सांस लेना भी पाप है। मुझे औरत का गुलाम कहते हैं, शर्म नहीं आती? चलो इस तरह भाभी तुम यहीं ठहरो, मैं जन मुरीद का हिसाब चुका कर आता हूं। मुझे जन मुरीद कहता है? अगर मर्द होते तो पीछे से वार ना करते, ये हुई ना मर्दों वाली बात। दरवाजा खोल सकते? अरे भाई पर हाथ उठाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? आप जरा बात तशरीफ ले लीजिए प्लीज। Put him on oxygen. Yes, sir. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा भैया बच जाएगा ना? देखिए, उसकी हालत बहुत नाजुक है, हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। इसका फैसला बड़े डॉक्टर के आने के बाद होगा, वो भी आते ही होंगे। हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन।
मैं डॉक्टर माथुर बोल रहा हूँ, नानावती हॉस्पिटल से। एक केस रिपोर्ट करना है, कॉन्कशन ऑफ द स्कल। यस इंस्पेक्टर, बहुत सीरियस है, उसे लाने वाले लोग अभी यहीं हैं। जी हाँ, थैंक यू। जरा सुनो तो, यहाँ बात बहुत बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल में पुलिस के आने से पहले हम अपने लॉयर को बुला लें। For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.